हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज जानते हैं G20 समिट के बारे में। G20 समिट की फुल फॉर्म होती है द ग्रुप ऑफ 20। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन साथ आते हैं। G20 का फॉर्मेशन 26 सितंबर 1999 में हुआ था, यानी कि G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी, क्योंकि उस समय काफ़ी तरह के क्राइसिस सामने आए थे, तो इसलिए इसका गठन हुआ था। G20 2008 से कंटिन्यूस होती आ रही है, क्योंकि उस समय काफ़ी तरह के क्राइसिस बढ़ गए थे। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं। इसमें मीटिंग होती है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक्स के साथ में। G20 में मेजर इशूज़ जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड बात होती है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस और वॉर सिचुएशंस को लेकर बात होती है। इस मीटिंग में जो पॉलिसीज को लेकर डिस्कशंस होते हैं, उनसे आगे चल के काफ़ी बेनिफिट होते हैं सभी कंट्रीज़ को। G20 प्रेजेंट करता है 80% वर्ल्ड GDP को, 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। G20 समिट में आने वाली कंट्रीज़ काफ़ी पावरफुल होती हैं। G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, क्योंकि G20 समिट की प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होती है। G20 में ट्रोइका टर्म का भी यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है द ग्रुप ऑफ 3। इस टर्म का यूज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होता है, और जब भी प्रेसिडेंसी मूव होती है तो 3 प्रेसिडेंट्स को चूज़ किया जाता है और उनको कहते हैं ट्रोइका। और इसमें एक कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, जैसे कि इस ईयर प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है। इसके साथ मिलकर जो कंट्री काम करेंगी उनका नाम है इंडोनेशिया और ब्राज़ील। इंडोनेशिया वो कंट्री है जिसके पास 2022 की प्रेसिडेंसी थी, और ब्राज़ील वो कंट्री है जिसको इंडिया के बाद 2024 की प्रेसिडेंसी मिलेगी। अभी फ़िलहाल इंडिया के पास जो प्रेसिडेंसी आई है वो 2023 की आई है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है। बाकी आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया है कि किस कंट्री के पास कब प्रेसिडेंसी आई थी और कौन उनके लीडर्स थे, जो कि मैंने स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को दिखा रखा है। बस यही था आज की वीडियो में, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये G20 का लोगो है 2023 का, और साथ में स्लोगन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो दोस्तों यही था बस आज की वीडियो में, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियो मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।